इंडिया तगड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम फराडी हैं। सही पकड़े हैं। इंडिया और पाकिस्तान की सरजमीन में या मट्टी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, यहाँ जो बीज वहाँ पर है वही बीज हमारे यहाँ भी, वही नस्ल काश्त होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जरूरत बिल्कुल चुप। जरूरत ही समर गया कि वो बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर अपनी पॉलिसी पे अमल करती है। हमारे यहाँ ये बात नहीं है, हमारे यहाँ मुनाफाखोर जखीरा अंदोज लोग हैं। पाक के बदक की जरूरत है, लेकिन ये नहीं ना वहां से लेते, ये इनकी तोहीन है। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। ये बाहर से रूस से इन्होंने ले ली है गंदम, इधर से नहीं ली। हालांकि बॉर्डर साथ है, यहाँ से गंदम आती तो आसानी होती, वहाँ सप्लाई जो थी आसानी से आ सकती थी। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। तो आज जिस वीडियो पर लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है सना अमजद का, जिनके वीडियो का टाइटल है इंडिया गिफ्ट विद 74 कंट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जावेद। सर कहा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में शदीद किस्म का आटे का बहरान चल रहा है, क्या ये झूठ बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने कीमतें बढ़ानी है कुलचों वाले ने, तो इसलिए कहते हैं कोई बहरान नहीं है। कोई बहरान नहीं है, इजी मिल जाता है। मुझे तो आज तक कभी मुश्किल पेश नहीं आई। कह रहे हैं कि अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सर यहाँ आटा बिक रहा है, मिल रहा है। अच्छा, आटे की कीमतें बढ़ी है कि नहीं? वो तो दुनिया की हर चीज की बढ़ती है, क्योंकि ये जो परवेज लाई साहब है ना, इन्होंने आंखें बंद कर ली है। इन्होंने कहा शहबाज शरीफ को बेइज्जत करना है। अच्छा। बस असल मैटर ये है, अगर रोज चेक करें तो ये कभी भी नहीं बढ़ेंगी। अगर कोई चौकीदार आंखें बंद करेगा तो चोरी शुरू हो जाएगी। वो चौकीदार है, उसने आंखें बंद कर ली हैं, उसने कहा नून को मैंने बदनाम करना है, फिनिश। असल मैटर ये है। हमारे हुक्मरान भी कह रहे हैं इस वक्त जरूरत है कि हम दूसरे मुल्कों से गंदुम इंपोर्ट करें। चलिए अगर बात कर लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आटे का बहरान है भी, तो हम किन ममालिक से गंदुम इंपोर्ट कर सकते हैं? मेरा ख्याल है इतनी यहाँ पे गंदम है, ये बेच देते हैं, उसके बाद शार्ट होते मंगवाते हैं। असल मैटर ये है, अपनी ना बेचे तो ना मंगवानी पड़े। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा गंदुम जो है वो अफगानिस्तान भेजी जा रही है, इसीलिए भेजते हैं। चौकीदार वहाँ पे बिठाए नहीं हुए, क्यों भेजते हैं? ये मुझे बताएं, अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं है या रास्ता खुला है? बॉर्डर है ना, तो ये क्यों यहाँ पे जाने देते हैं? मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि अफगानिस्तान में गंदुम क्यों भेजी जा रही है। हम वैसे कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहा है, फिर हम वहाँ पे गंदुम भी भेज रहे हैं। दुनिया की हर चीज भेजती है, गंदम क्या होती है? इनको पैसे मिलने चाहिए, वह फिनिश। पैसे पकड़ाए जो मर्जी आदमी भेज देंगे, गंदम क्या होती है? पैसे पकड़ाए इनको, बस इनका दीन मान पैसा। गाना नहीं बना हुआ हम सन माल बहुत मूड बने, ये माँ पैसे तो बिकने वाली कौम है। पैसे पड़ाओ, जो मर्जी काम कराओ, अगे गल करो। इस वक्त इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, जिसे हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, 75 मुल्कों को गंदुम एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदुम गिफ्ट कर रहा है, और पाकिस्तान में देखे गंदुम के क्या हालात है। वो कौम परस्त है, हम कौम परस्त नहीं है, हम पैसा परस्त है, फिनिश। हमें सीट चाहिए, मुल्क दर बदर होता हो जाए। बात नहीं समझ आ रही, बात खत्म हो गई बात। आपको नहीं लगता हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है? नहीं, क्यों नहीं करने चाहिए ने? लेकिन गल ऐसा कि उन्हें सानू बांध दी, असी ओरी खातर फौज पैसे लाने पे, वरना सानू किसी ना दुश्मनी नहीं, ऐसा ही ना। इन्हें पावर नहीं, ताकत पैदा करो, फिनिश। ताकत ही पैदा करते पे। आपको लगता है कि इंडिया के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है वो खुलनी चाहिए? नहीं, बंद के चंगा कीता, लेकिन बड़ा सस्ता है। उन्हें तो गौर करना है, हाकम गौर करना ना, लेकिन ताकत पैदा करें, फिनिश। ताकत नहीं पैदा करते पे अपनी, कमजोर ने। इंडिया तगड़ा है, हुण इन्हां नूं पुछो ना जाके, हुण कहणगे पोको तो नहीं बड़े तगड़े ने, वो खाक तगड़े ने। इंडिया ने आजाद कश्मीर है, यह मकबूजा कश्मीर है, वो कुटन डे है, इन्हें ताकत ही नहीं कि हमसाए जाके बचान। आपके हमसाए में अगर शोर हो रहा हो, बीवी को मार रखा हो, तो आप छुड़ाने जाएंगे? नहीं जाएंगे, आप अपनी ताकत देखेंगे। अगर वो बदमाश होगा फिर आप नहीं जाएंगे। वो तगड़ा है, हमसे बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो कौम परस्त है। इंडिया में बड़ी गुर्बत है, फिर भी वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम फराडी हैं। लेकिन सर आप ये देखें, जिन्हें ताजल ने पैसे फड़ाओ, लोग करोड़ों रुपये का माल अगर चुकी डालते हैं, इस नीयत न किस वेल दिहाड़ी लानी है, तो कुरान ने मना किया, कहना जखीरा दो गुण है, विरोध कर देने। बात समझ आई मेरी? हम फ्रॉड हैं, हम अपने को सही करें तो फिर जिससे मर्जी तजारत करें। इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया ना, इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। कौम परस्त है, बस फिनिश। हम कौम परस्त नहीं है, असी पता कहने हमें पाकिस्तान बनाया। लो, इनको आजादी पता ही नहीं क्या है,
बात समझ आ गई मेरी? तो इनमें फॉल्ट है, ये अपना फॉल्ट सही करेंगे सब चीज़ सही हो जाएगी, इनमें फॉल्ट बड़ा है। ये अल्लाह को मानते हैं लेकिन यकीन नहीं रखते। ओए होए हो, बात समझ आई? आइए मुस्लिम ना दे मुसलमान सब ने क्रिश्चनों के कपड़े पाए हैं। हाय 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 कितनी तकलीफ दे बात है। हम मुस्लिम जन्नत के हम ठेकेदार और पाते हम क्या हैं, पहनते क्या हैं? क्रिश्चनों के कपड़े बेड़े मुड़ा ला। क्रिश्चियन के कपड़े मतलब वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े हो गए, तो उसमें भी आप मजहब घुसा दोगे? कुछ भी कोई सेंस है इस बात का? बड़े शर्म की बात है। सर क्या नाम है आपका? जिशान। जिशान क्या करते हैं आप? ये मेरी दुकान है आटे की। आटे का काम करते? आटा और चावल वगैरह का। आपको पता होगा इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आटे का बहरान शदीद किस्म का शुरू हो चुका है। कई गरीब लोग जो है वो दिन रात दुकानों के बाहर लाइनों में लगे हुए हैं आटे के हसूल के लिए, और कई गरीब लोग अपनी जिंदगी की बाजी भी हार रहे हैं। आप डेफिनेटली आटे का काम करते हैं, तो हम आपसे मौजूदा सूरत हाल जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में आटे के बहरान की। मैडम तकरीबन लाखों की तादाद में लाहौर में आटे की सप्लाई आती है। जाइए आप बलूचिस्तान में देखिए, केपीके में देखिए, सिंध में देखिए, वहाँ पे आपको आटे का असली कमी पता चलेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि दुकानों पर आटा भी वाफर मकदार में आ रहा है। जरूरत इस उम्र की है कि ये जो पाकिस्तान से बाहर आटा और गंदम स्मगल हो रहा है उसको रोका जाए। पाकिस्तान से बाहर कहाँ आटा और गंदम स्मगल हो रहा है? मैडम सोशल मीडिया पर आम वीडियोज आती है, डेली की बुनियादों पर अफगानिस्तान में ट्राले जा रहे हैं, बड़े बड़े ट्राले, उनमें डेली के हिसाब से जो है ना ये जा रहा है, उसको स्मगलिंग को रोकने की जरूरत है। और फर्दर ये कि 101 ट्रकिंग पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डीसी साहब लाहौर ने अपनी खसूसी शफकत और तवज्जो का मुजाहरा करते हुए आवाम के सहूलत के लिए ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए हैं, और तकरीबन 60-65 हज़ार से ज़्यादा थैला तो सिर्फ ट्रकों पर मौजूद है और जो डेली के बुनियादों पर आ रहा है। तो वो ट्रक पाकिस्तान में लाहौर में एंटर भी हो रहे हैं या नहीं? नहीं, ये सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ लाहौर में 101 प्लस जो है ना वो पॉइंट्स मौजूद हैं जो डीसी साहब ने स्पेशल तवज्जो ली है, रेवेन्यू ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी सिक्योरिटी और जो है ना उसके मॉनिटरिंग के साथ ये आटा जो है सेल हो रहा है। अच्छा कहा जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि इस वक्त वक्त की जरूरत है कि हम दूसरे मुल्कों से आटा इम्पोर्ट करें, आपको लगता है कि हमें किन किन ममालिक से आटा इम्पोर्ट करने की जरूरत है या गंदुम इम्पोर्ट करनी चाहिए? मैडम इस वक्त तो ये है कि जो अभी रशिया से ट्रक आकर वो सॉरी बैरी जहाज जो है वो गंदम के आकर लगे हैं, फर्दर हुकूमत और भी टेंडर इशू कर रही है, और आलमी दुनिया में अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया ये दो ऐसे ममालिक हैं जो गंदम की पैदावार में टॉप पर हैं और सबसे सस्ती गंदम इन ममालिक के पास है। माजी में भी पाकिस्तान से इम्पोर्ट करता रहा और अभी भी इम्पोर्ट कर रहा है, और ये हुकूमत है वो इसके ऊपर अच्छी खासी सब्सिडी देकर आवाम को आटा मुहैया करती है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया अगर हम उसकी बात करें तो वो इस वक्त 74 कंट्रीज को गंदुम एक्सपोर्ट कर रहा है, उन्हें गिफ्ट कर रहा है गंदुम, वो भी एक जरखेज मुल्क है, उसकी इतनी गंदुम की पैदावार होगी कि वो लोगों को गंदुम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम भी एक जरखेज मुल्क हैं और हमारे यहाँ गंदुम के आटे के लाले पड़े हुए हैं। मैडम अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की सरजमीन में या मट्टी में कोई फ़र्क नहीं है, जो बीज वहाँ पर है वही बीज हमारे यहाँ भी वही नस्ल काश्त होती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़रूरत ही समर की है कि वो बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर अपनी पॉलिसी पर अमल करती हैं, हमारे यहाँ ये बात नहीं है, हमारे यहाँ मुनाफाखोर ज़खीरांदोज लोग हैं और मॉनिटरिंग सख्त होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मुल्क से जो है ना गंदम मंगवाने की। पाकिस्तान भी अल्लाह का शुक्र है छोटा रकबा है हमारे पास, लेकिन हम 5वें नंबर पर हैं गंदम के प्रोडक्शन में। आपको ये नहीं लगता कि हमें दाएं बाएं दूसरे मुल्कों की जानिब देखने की बजाय अपने हमसाए मुल्क इंडिया से गंदम इम्पोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाकी कंट्रीज को दे सकता है तो पाकिस्तान को भी दे सकता है? मैडम मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है, ये पोलिटिकल इशू है। अगर हम अपना बॉर्डर कंट्रोल ही टाइट कर दें जो हमारी लीकेज होती है अफगानिस्तान और ऐसी जगहों पर जाती है, तो हमें किसी भी मुल्क से इवन रशिया से भी मंगवाने की हमें गंदम जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा इस वक्त आटे का क्या रेट चल रहा है? मैडम इस टाइम सरकारी आटे का रेट 64.80 रुपये चल रहा है लाहौर में, और उसके ऊपर दुकानों पर और ट्रकों के ऊपर आटा वाफर मकदार में दस्तियाब है। मैं आपका लिस्ट भी आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ जहाँ पॉइंट्स लगे हुए हैं, आप जहाँ पर खड़े हैं इस हदूद अरबे में तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की जो है ना विसिनिटी में तकरीबन 4 ट्रक मौजूद है। अवाम इतना परेशान क्यों है? अवाम आटे के लिए क्यों रोती फिर रही है? ये मैडम आपके जो है ना चैनल के तवस्त से मैं बात करना चाहूँगा, ये जो पैनिक क्रिएट हो जाती है हमारी अवाम भेड़ चाल के पीछे लग जाती है। अच्छा। कोई डॉलर इकट्ठा कर रहा है, कोई सोना इकट्ठा कर रहा है, जो गरीब आदमी है वो आटा इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान में आटे का बहरान चल रहा है, क्या कहेंगे लोग आटे के हसूल के लिए मर रहे हैं? ये इन्होंने खुद बुरान पैदा किया हुआ है, आटे का कोई बुरान नहीं है। अच्छा। इन्होंने कीमत बढ़ाने के लिए बुरान पैदा किया हुआ है। अच्छा। यहाँ पाकिस्तान और लाहौर में आम कंदम है,
आम आटा है, लेकिन ये दो दिन जब्त कर लेते हैं, महंगा बेचना शुरू कर देते हैं, जो 1800 की चीज़ होती है दूसरे दिन पूछो 1850। मतलब चावल का बैग परसों पूछ करके वो 6000 रुपया था, आज पूछा वो 6500 रुपये का है। ये दुकानदार खुद अपना नजायज मुनाफा कमाने के लिए सारे हरबे ये इस्तेमाल करते हैं। आप तक खबर पहुंची होगी कि पिछले दिनों एक बंदा आटा लेते लेते मर गया। वो तो बहुत दूर, वो बेचारा मजदूर था, गरीब था, आटा लेने में वो मिल तो गया उसे, लेकिन ले जा ना सका, तो भाई उसका इंतकाल हो गया। आपको नहीं लगता कि मुल्क में आटे का बोहरान? कोई बोहरान नहीं है मुल्क में, बेशुमार आटा है, इन लोगों ने पैदा किया हुआ बोहरान, इन्होंने खास करके। अच्छा सर, हमारे जो हुक्मरान है वो कह रहे हैं कि हम जो है आटा दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज हो गई है। रूस से गंदम आ गई हमारे, तो यही आटा जो है ये जो 1800 का दे रहे हैं ये 1500-1600 में देंगे, और वाफर मकदार में गंदम आ गई है। अच्छा, आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो भी एक जरखेज मुल्क है। इंडिया 74 कंट्रीज को जो है गंदम गिफ्ट कर रहा है, करता है आपको पता है। और अभी पाकिस्तान में जो आटे का बोहरान चल रहा है, आपको लगता है कि सारी सूरत हाल में हमें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की मदद की जरूरत है? वहाँ के मदद की जरूरत है, लेकिन ये नहीं ना वहाँ से लेते, ये इनकी तोहीन है, ये बाहर से रूस से इन्होंने ले ली है गंदम, इधर से नहीं ली। हालांकि बॉर्डर साथ है, यहाँ से गंदम आती तो आसानी होती, वहाँ सप्लाई जो थी आसानी से आ सकती थी। हाँ। और कम पैसे खर्च आ सकते थे, लेकिन इन्होंने दूर से जाकर ली हर चीज, इधर से नहीं ली। हाँ। अभी क्या चल रहा है आटे का रेट? अभी ये 15, इन्होंने बड़ा कुछ किया हुआ है, एक 10 किलो का वो भी इन्होंने खत्म कर दिया, 20 किलो का वो भी खत्म कर दिया, 15 किलो का दे रहे हैं 1800-1900 रुपए। मैं 1850 का परसों लेकर गया हूँ, 15 किलो का आटे का बोरा, 15 किलो का आटा, और अब खुद पता नहीं 2000 रुपए दे रहे हैं ये। अच्छा, कुछ जगह तो 2300-2400 में भी मिल रहा है जी, बताया है ना इन्होंने अंदर स्टॉक किया हुआ है, कह देते जो थोड़े पैसे दे, कहते नहीं आ जाओ, जो पूरे पैसे दे उनको कहते आ जाओ अंदर आ जाओ। अपनों का ही खून सफेद हो गया। सफेद इनका हर वक्त सफेद रहता है। सर आपका नाम? अब्दुस्सत्तार नाम है। सर क्या कहेंगे इस वक्त पाकिस्तान में जो फूड क्राइसिस चल रहे हैं, जो आटे का बहरान चल रहा है, आपकी क्या राय है? क्योंकि इस वक्त लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं इसके ऊपर, तो हम आपकी राय जानना चाहते हैं। मेरी राय ये है कि यहाँ पे कोई जो है ना जो निज़ाम है, जो कंट्रोल जो करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। कोई जो है ना यहाँ पे जो अफसरान बड़े हैं उनका कोई निज़ाम नहीं है, कोई जो है ना सही आदमी नहीं है मतलब इसको कंट्रोल करे। जब कोई सही आदमी आएगा तो ईमानदार होगा, वो कंट्रोल करेगा तो सारा निज़ाम ठीक होगा। जो लोगों ने जो गोदामों के अंदर जो छुपाया हुआ गादा गंदम आटा जितना भी है, अगर वो बाहर निकालेंगे तो कोई यहाँ पे क्राइसिस नहीं होंगे, और अपने जो पड़ोसियों से ताल्लुकात रखेंगे उनसे ले लेंगे तो मजीद निज़ाम ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि लोगों ने गंदम और आटा स्टोर किया हुआ है इसीलिए शॉर्टेज हो गया जी? बिल्कुल है, तमाम लोगों ने घरों के अंदर गोदामों के अंदर स्टोरेज किया हुआ, इस वजह से जो है ना यहाँ पे जो है ना ब्लैक में बिक रहा है और गरीबों के पुओं से दूर है वो। सही कहा जा रहा है हमारी हुकूमत की जानिब से कि इस वक्त की जरूरत है कि हम अपने दूसरे ममालिक से गंदम इम्पोर्ट करें। क्या लगता है कि किन ममालिक से गंदम इम्पोर्ट की जा सकती है? अपने करीबी जितने ममालिक जो हमारे साथ लगते हैं, इंडिया है और ममालिक हैं, वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। आपने नाम लिया कि इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, गंदम इम्पोर्ट करनी चाहिए, तो इंडिया के साथ तो हमने तजारत ही बड़े अरसे से बंद की हुई है, इंडिया हमें गंदम क्यों देगा? क्यों नहीं देगा? देखिए बात यह है, अगर हम इतने दूर दूर दूसरे ममालिक से जाकर हम इम्पोर्ट कर सकते हैं तो करीब से क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है इस वक्त इंडिया ने 75 मुल्कों को जो है गंदम एक्सपोर्ट की है, गंदम गिफ्ट की है। डेफिनेटली अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो हमारी मदद भी करता। देखिए हमारे जो बड़े हैं, अगर वो अपने ताल्लुकात उनके साथ अच्छा करेंगे तो जो गंदम के अलावा और भी कई चीज़ें मिल सकती हैं, और ये जो है ना यहाँ पे जितनी महंगाई वो ख़त्म हो सकती है। वो क्या लगता है इस वक्त आटे की कीमत क्या चल रही है? इस वक्त तकरीबन 650 के करीब है, लेकिन काफ़ी कम है, मतलब उसके में जो है मेयार भी कम है, जो है ना जैसे मेयार ऊंचे उस तरह मेयार नहीं है। मतलब आप कह लें कि 10 किलो का बोरा इस वक्त 650 में मिल रहा है? 650 में मिल रहा है। तो किलो कितना हुआ? किलो आप ये समझ लें कि से जो है 100 से ऊपर ही है। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि 150 किलो भी आटा मिल रहा है लाहौर के कई इलाकों में, 160 के करीब भी मिल रहा है। अच्छा, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, इस तरह का कोई बोहरान कभी इंडिया में देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ का जो निज़ाम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस तरह बेरहरवी नहीं है, चोरी नहीं है, और जितना भी है वहाँ निज़ाम है, मतलब जो अफसरान है मतलब वो अपने निज़ाम को इसी तरह चलाती है, इस वजह से वहाँ बोहरान कभी नहीं आ सकता।
इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया क्योंकि उनके हुक्मरान उनके साथ वफादार थे। देखें वो ज़राअत के अंदर काफ़ी जो है ना इंटरेस्ट रहते हैं और जितने भी ज़राअत वाले हैं ज़मींदारों को काफ़ी जो है ना वो कम रेट पे खाद वगैरह देते हैं, इस वजह से जो है वहाँ पे मतलब ये कभी भी जो है ना इसी तरह क्राइसिस नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान में क्या किसानों को रिलीफ मिलता है? नहीं, कभी नहीं मिल सकता, क्यों? यहाँ सारे चोर हैं, ये बड़े से लेकर सारे चोर हैं, तो इसलिए कैसे मिल सकता है उनको? लेकिन किसान भी अक्सर जो है वो भी दो नंबरी लगा जाता है। नहीं देखे ना, जब बड़े दो नंबरी करेंगे तो किसान भी करेंगे, जब उनका दिल करता है वो अपनी सब्जियों के रेट बढ़ा देते हैं। देखिए बात ये है, जब कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा तो हर कोई आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो कैसे निजाम चलेगा वो? आपको पता है कि मैंने कई बार मार्केट विजिट की, हमारे यहाँ के किसान भी नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड हो। देखिए बात ये है कि ये जो ब्लैक मेलिंग का तरीका इनको आ गया, भाई क्यों करेंगे इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे? कभी नहीं करेंगे ये, क्योंकि अगर इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो इनकी सब्जी का रेट गिर जाएगा। हाँ जी बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। अगर इंडिया से दरवाजे हमारे खुलेंगे तो वहाँ का जितना सब्जी है वो यहाँ पे आएगा, तो जो जितना भी इन्होंने अपनी मनमानी जो रेट बनाया है वो ख़त्म हो जाएगा वो। अगर आपको लगता है कि इस वक्त आटे की ज़रूरत है या गंदम की ज़रूरत है, तो आपको लगता है कि हमारी हुकूमत को इस मुश्किल वक्त में इंडिया के साथ बातचीत करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, सबके साथ करनी चाहिए। जितने भी यहाँ पे हालात वो हालात ख़त्म हो जाएंगे अगर करेंगे तो अपने पड़ोसियों के साथ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने आटे के बहरान पर पाकिस्तानी अवाम से बातचीत की, हर एक ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, पर मेरा मानना यह है अगर सच में पाकिस्तान में आटे का बहरान है